Subscribe for every time new updates. And press bell icon for hot notifications. स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से टेकट चैनल के ऊपर। दोस्तों मैं हूं राकेश, आपका होस्ट, और बात कर रहे हैं दोस्तों आज इस वीडियो में Redmi Note 9 Pro की। जी हां दोस्तों, इसकी लॉन्च डेट का भी पता चल गया और चाइना के अंदर इसको 3C सर्टिफिकेशन दे दी है। 5G के साथ जो है ये लॉन्च किया जाएगा, मतलब ड्यूल 5G मॉडेम का यूज किया जा रहा है इसके अंदर। तो काफी कमाल की स्पेसेज हैं दोस्तों इसकी, कुछ हद तक जो है Redmi Note 8 Pro की भी स्पेसेस जो है इसमें यहाँ पर शामिल कर लिए Xiaomi ने। बाकी जो है काफी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ Redmi Note 9 Pro के बारे में, तो वीडियो को जो है पूरा देखिए। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं Redmi Note 9 Pro के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि 5G के साथ ही ये आएगा। अच्छी बात दोस्तों ये है कि एक बड़ी डिस्प्ले जो आपको इसमें मिल रही है, पूरे व्यू डिस्प्ले है, बस छोटी सी नोट जो है डिस्प्ले के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर दे दी है Xiaomi ने। 6.6 इंच की IPS फुल HD प्लस एक नोट वाली डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है, जिसके अंदर जो है आप कमाल की जो है गेमिंग भी कर पाएंगे। पबजी जैसे ग्लास बैक जो है डिजाइन यहाँ पर दिया गया, पीछे की तरफ लाइक सैमसंग A51 है, लाइक A71 जो सैमसंग का है, S10 लाइट भी इसी शेप में निकल गया है, और नोट 10 लाइट का जो फ्रंट शेप है उसका लगभग मिलता जुलता सा हिसाब किताब बैठा दिया है Redmi Note 9 Pro के अंदर। तो कुल मिलाकर जो नोच है ऊपर की, यहां पर जो है पंच होल कैमरा है और यहां पर एक नोच वाला है, बस इतना यहां पर फर्क है Note 10 और Note 9 Pro Xiaomi के। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G70 जो गेमिंग प्रोसेसर है उसका यूज किया जा रहा है, बशर्ते ये वाला सीपीयू जो है 5G को भी सपोर्ट करता है, तो इसलिए जो है दोनों काम यहाँ पर बन जाते हैं। Xiaomi के Android 10 बेस्ड MIUI 12 जो है इसमें आपको मिलेगा, MIUI 12 जो है जल्दी ही लॉन्च किया जा रहा है, तो इसके साथ भी लॉन्च हो सकता है, फिर अलग से जो है लॉन्च किया जा सकता है, तो लगभग ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 4GB, 6GB और 8GB ट्रिपल जो है रैम वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएंगे। 64GB और 128GB तक का आपको स्टोरेज, ऑनबोर्ड जो स्टोरेज है वो वेरिएंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वाड कैमरा दोस्तों पीछे की तरफ इसमें दिए जाएंगे, 4 कैमरा का सेटअप। Redmi Note 8 Pro के अंदर भी इसी प्रकार का सेटअप था, वहां पर भी जो है 64 मेगापिक्सल का ही सेंसर था। यहां पर जो है सोनी IMX686 जो कि फ्लैगशिप लेटेस्ट सेंसर चल रहा है सोनी का वो दिया जाएगा, जैसा कि Redmi K30 के अंदर दिया था। तो 64 मेगापिक्सल का यहां पर मेन सेंसर रह सकता है और 13 मेगापिक्सल का सेकेंड सेंसर दिया जा सकता है, और 5 मेगापिक्सल के सेंसर जो है इसमें और रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और बात है, जो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली जो है कि अलग डिजाइन यहाँ पर हो गया, आजकल जो है सर्कुलर या फिर जो है राउंड शेप वाला जो है कैमरा डिजाइन चला हुआ, तो लग रहा है कि 50-50 चांसेस है कि इसके पीछे का जो हिस्सा है वो राउंड शेप के अंदर जो है कैमरा सेटअप लेके आए, उसी के साथ जो आपको बगल में इधर उधर कहीं जो है फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाएगा। बात करें दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा की, ये कुछ बड़ा तो नहीं है, यहाँ पर 30 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। ब्यूटी फेस, ये फेस वो फेस तो आपको मिल ही जाएंगे, साथ ही जो यहाँ पर फेस अनलॉक की भी व्यवस्था इसी से की गई है। दोस्तों आगे बात करें इसके अंदर 4G 5G की, तो यहाँ पर ड्यूल बैंड के साथ आपको ये मिल जाते हैं, ड्यूल सिम आप इसमें इंसर्ट करा पाएंगे, ड्यूल वीओटी का सपोर्ट जो इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 4350 mAh के आसपास जो है बैटरी यहाँ पर रहेगी, लेकिन सबसे बढ़िया और कंफर्म बात दोस्तों ये है कि 33 वोट की जो है सुपर फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिल जाएगी। बात करें दोस्तों इसकी लॉन्च डेट की, तो यहां पर जो है मार्च और अप्रैल के आसपास लगभग जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की, तो 28,990 रुपीज जो है अभी तक काफी सारी अलग अलग वेबसाइट जो है टीज कर चुके हैं, स्टार्टिंग प्राइस जो है 4GB और 64GB की यही वाली जो इसकी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर जो सेटअप था वो काफी बढ़िया है, डिस्प्ले जो है वही पुराने वाला थोड़ा सा लिया IPS से, बाकी ठीक है। तो दोस्तों अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि 28,000 के आसपास आपको Redmi का Note 9 Pro कैसा लगा दोस्तों, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी, या फिर आपके हिसाब से कुछ ज्यादा होना चाहिए था, या फिर ठीक है, या फिर चलेगा, या फिर प्राइस ओवर है, जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, तो जरूर एक कमेंट यहां पर करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसी फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।